गाइस, अभी हम रास्ते से जा रहा था, यहाँ पर कुछ प्रोग्राम चल रहा है। यहाँ पर देखिए, ये गेट एंट्री है और इतना सुंदर से बनाया, क्योंकि रास्ता से देख के एकदम पूरा मज़ा लगा है एक के। तो हम अंदर जाके दिखता हूँ, दिखाता हूँ क्या प्रोग्राम चल रहा है। तो अंदर पे दिखाता हूँ, देख सकते गाइस पूरा मज़ा से एकदम इतना सुंदर लग रहा है ना यहाँ पर। देखिए लेकिन क्या प्रोग्राम चल रहा है, अभी अंदर जाके पता चलेगा। तो वहाँ पर गेट से लेके ये देखिए गाइस, पूरा हुआ पूरा मज़ा से सजाया। ये देखिए, देख सकते गाइस इतना सुंदर लग रहा है ना। वाह, सुंदर है कि नहीं गाइस, कमेंट कीजिए तो प्लीज़। वाह यार, डेकोरेशन देख सकते गाइस, गाना गा रहा है उधर अंदर पे, क्या है पता नहीं है, प्रोग्राम का मालूम ही नहीं है, कुछ मालूम नहीं हो रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं इतना सुंदर लग रहा है ना गाइस, पूरा गाना इतना मज़ा से गा रहा है। देखिए इतना सुंदर लग, सुंदर से बनाया। यहाँ पर कुछ कुछ सामान रखा हुआ है गाइस, क्या है पता नहीं। यहाँ पर पूरा ये देख सकते हैं, वो खाने वगैरह बस कुछ होगा। यहाँ पर देख सकते हैं गाइस, कुछ खाने का सामान रखा होगा शायद। यहाँ पर लिखा हुआ है फिश, चिकन, ग्रेवी और कुछ कुछ खाने का रहा है। ये देख सकते हैं गाइस, तो ये रहा है। देख सर का गाना को सुन के और मोदी को देख, गाना को सुन के तो साइकोलॉजिकल इफेक्ट हो ही रहा है। मोदी को ऐसा लग रहा है कि अभी कुमार सानू ही है, मोदी को देख के ऐसा ही लग रहा है। अभी हमारे पीटीसी से जो आया हुआ बैंड है, जैस बैंड है, पीटीसी से हमें मनोरंजन करने के लिए जो पीटीसी से आया है, मैं उसे मंच पर बुलाना चाहूँगा। कृपया पीडीसी का जो जैज़ बैंड है यहाँ पे मंच पे आ जाइए और थोड़ा सा ऑडियंस को आपका जितना भी परफॉर्मेंस सॉन्ग्स हैं। पिछली बार 1 लाख का सीजर हुआ था, इतना भी हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ये लग रहा था ये कैसे होगा क्या होगा। पिछली बार वाली टीम नहीं थी, जिन्होंने पिछली बार इलेक्शन निकाला उनको मैंने बुलाया, मैंने कहा भाई कैसे किया, कह रहे मैडम इस बार तो नहीं सकेगा, बहुत मुश्किल है, पिछली बार वाली टीम नहीं है, ये नहीं है, इस बार नए हैं, कैसे करेंगे हम लोग, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। खैर मैं उस दिन बहुत ज़्यादा परेशान रही, उसके 2-3 दिन तक सो नहीं पाई, समझ नहीं आ रहा था कि इलेक्शन कैसे निकलेगा क्या निकलेगा। बट आज खड़ी हूँ आप लोगों के सामने, मैंने सपने में नहीं सोचा था कि रोइंग पुलिस 35 लाख का सीजर करेगी। अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज टू ऑल ऑफ यू। आई नेवर थॉट कि इलीगल वेपन सीजर में हम ऑल ओवर अरुणाचल टॉप करेंगे। एंड ये कोई मेरी सक्सेस नहीं है,
ये आप सबकी सक्सेस है। दिन रात आप लोग सड़क पे थे, इतना ड्यूटी कर रहे थे, बारिश आई, धूप आई, दिन है रात है, भाग रहे थे। मैंने बहुत डांट मारी है सब लोगों को, बिकॉज मैं आप लोगों से जितना आप करते हैं उससे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करती हूँ। मुझे भरोसा है कि आप डिलीवर कर सकते हैं और आप सब मेरे भरोसे पे जितना मैं सोचती थी उससे ज़्यादा खरे उतरे और आप लोगों ने अपना 200% दिया है। सो माई सिंसियर थैंक्स टू ऑल द थाना स्टाफ, आप लोगों ने बहुत मेहनत किया है और जो बैकग्राउंड में मेहनत कर रहे थे, द अनसंग हीरोज जिनका काम दिखता नहीं है, 2400 घंटे वो लगे हुए थे हमारे साथ, वो था इलेक्शन सेल। वन बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर इलेक्शन सेल। कहाँ पे है रामबा साहब? रामबा साहब जिंदाबाद। वेर इज लॉन्गकेन ठाकुर? कहाँ पे है सब लोग? खड़े हो जाओ इलेक्शन सेल, आ जाइए प्लीज। क्राइम की टीम कहाँ है? आ जाओ जल्दी से। QM, MT कहाँ पे हैं? अकाउंट्स कहाँ पे हैं? दिन रात इन सबने मेहनत करी है। जब आप सड़क पे थे, ये ऑफिस में थे और सो नहीं रहे थे, मैं इनकी आंखें देखती थी, ऐसे लाल हुई रहती थी, सूजी रहती थी। बट इलेक्शंस अगर निकाले हैं तो सब लोगों ने मिलके अपना 200% देखे, बिना किसी इंसिडेंट के, बिना किसी इशू के, और इतने अच्छे सीजर्स के साथ हम लोगों ने इलेक्शन निकाले हैं कि दिस टाइम रोइंग हैज सेट अ रिकॉर्ड, कि हमने एक रिकॉर्ड बेंचमार्क सेट कर दिया है। एंड आई एम वेरी श्योर नेक्स्ट इलेक्शन जो भी टीम निकालेगी उसको डिफिकल्टी होगी ये मार्क पहुंचने के। दिस इज द बेंचमार्क दैट वी हैव सेट। नाका पार्टी को नहीं बुलाया है? कौन कौन सी पार्टी? माई सिंसियर थैंक्स टू ऑल द पुलिस फैमिली, IRBN, ABBBN, ऑफिस स्टाफ, एवरी वन सिटिंग हेयर। दिस पार्टी इज नथिंग, नथिंग इन फ्रंट ऑफ जो आप लोगों ने कॉन्ट्रीब्यूट करा है इलेक्शंस में। दिस इज द लीस्ट जो हम आप लोगों के लिए कर सकते थे, वन जस्ट अ जेस्चर ऑफ ग्रैटिट्यूड। इट इज़ अ टोकन ऑफ ग्रैटिट्यूड कि दिल से थैंक यू सो मच। मैं बहुत फख्र से PHQ जाती हूँ, मैं बहुत फख्र से बात करती हूँ कि आई हैव, इट इज़ ओनली बिकॉज आई हैव अ टीम लाइक, थैंक यू सो मच। एंड माई सिंसियर थैंक्स टू CRPF। ये बात हम सब जानते हैं, हम बहुत, वी वर सो शॉर्ट ऑफ स्टाफ, हमारे पास फोर्स नहीं था, इतने नाके थे, इतनी SST FST स्टाफ नहीं पड़ रहा था, लोगों ने ओवर टाइम करा है, ड्यूटी इतनी ज़्यादा किया है। एंड व्हेन ITBP लेफ्ट, CRPF पिस्ट है, आई रिक्वेस्टेड देम, इन्होंने टाइम नहीं देखा, इन्होंने बहुत चीज़ों में, मैंने कहा चार लड़के यहाँ भेज दो, दो लड़के यहाँ भेज दो, इन्होंने आउट ऑफ वे जाके हमारी मदद करी है, जितना हम सोच सकते थे उससे ज़्यादा बढ़कर CRPF ने इस इलेक्शंस में कंट्रीब्यूट करा है। दिस इज द लीस्ट वी कुड गिव इट टू यू, थैंक यू सो मच ऑल। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फायर स्टाफ कहाँ है? कहाँ है? अच्छा यहीं पर ही है। और कोई यूनिट है जिसे मैं भूल गई हूँ? स्पेशल ब्रांच, और दीज आर आर हीरोज, यू ऑल आर माय हीरोज, थैंक यू सो मच। एक स्पेशल थैंक्स आप एक बोलना चाहती हूँ, जैज बैंड कहाँ पे है? यू डोंट नो कि आप कितने प्रिविलेज्ड और कितने आप खुशनसीब हैं कि आपको आपकी नेहा यादव जैसी प्रिंसिपल PTC मिली है। ये सब लोग जानते हैं कितनी केपेबल ऑफिसर है वो, बट शायद ही बहुत कम लोग जानते हैं जब हमारा सारा स्टाफ चला गया था, देन आई वॉज लाइक लिटरली मैं परेशान हो गई थी। मैंने उसको फ़ोन पे मैं कह दिया स्टाफ नहीं है क्या किया जाए, आओ देखा ना ताओ, वो ऐसी ऑफिसर है। लड़की ने बोला मैम मेरे पास प्रोबेशनर्स हैं, एक महीने की ट्रेनिंग करी है, बट आई प्रोमिस यू जहाँ खड़े कर देंगे वो 100% देंगे। उसका स्टाफ आया और जितना उन लोगों ने कॉन्ट्रीब्यूट करा एक महीने की ट्रेनिंग में, जिस जिसके साथ वो लोग थे, मिंकी वॉज देयर, हैट्स ऑफ टू देयर प्रोफेशनलिज्म, हैट्स ऑफ टू देयर ट्रेनिंग, थैंक यू सो मच PTC के। रोइंग को जब जरूरत थी PTC हैज ऑलवेज पिच्ड, थैंक यू सो मच। प्लीज कन्वे माई रिगार्ड्स टू योर मैडम, वो तुम बता ही दोगे क्योंकि तुम वीडियो उसको शेयर कर ही रहे हो यहाँ की, तो ये भी भेज ही देगे तो, बट दिल से थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल ऑफ यू।
बढ़िया लग रहा है, तो कैसा लगा है, तो मेरे चैनल को।